आज की टॉप 10 सुर्खियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका, सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज की याचिका। याचिका में 2 साल की सजा पर रोक लगाने की करी गई थी मांग। सूरत की निचली अदालत ने मोदी सर ने मानहानि मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा। मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी के वकील। मुंबई के बाद आज दिल्ली में सीईओ टिम कुक ने खोला एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर का उद्देश्य ग्राहकों की खरीदारी का अनुभव को बढ़ाना और ऑफलाइन खुदरा बाजार में कंपनी की उपस्थिति को बढ़ाना है। इससे पहले 18 मई को मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में खोला गया था एप्पल स्टोर। एप्पल स्टोर और एप्पल सीईओ की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही स्टोर के बाहर लाइन में लगे दिखाई दिए सैकड़ों लोग। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से की मुलाकात। पीएम के साथ मुलाकात की फोटो को टिम कुक ने ट्विटर पे किया शेयर। लिखा, गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए पीएम मोदी का आभार। पीएम मोदी के साथ टिम कुक की यह दूसरी मुलाकात। इससे पहले पहली बार 2016 में भारत आए थे टिम कुक। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में अपने बेटे असद के साथ बुर्का पहने हाथ में पेपर लिए बैठी नजर आ रही है शाइस्ता। पुलिस ड्रोन से कर रही है उसकी तलाश। भगोड़े घोषित हो चुके अमृतपाल सिंह की पत्नी को गुरुवार को अमृतसर एयरपोर्ट से लिया गया हिरासत में। लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप कौर। इसी साल फरवरी में हुई थी दोनों की शादी। शूटरों ने 14 अप्रैल को ही की थी अतीक और अशरफ की हत्या की कोशिश। पुलिस फोर्स के ज्यादा होने के चलते फ्लॉप हो गया था प्लान। अगले दिन मीडिया कर्मी बनकर दोनों भाइयों को पुलिस और मीडिया के सामने उतारा मौत के घाट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया क्वारंटाइन। 20 अप्रैल को दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन में शरीक होने वाले थे राजनाथ सिंह। कर्नाटक विधानसभा प्रचार के लिए कांग्रेस ने अतीक अहमद के दोस्त इमरान प्रतापगढ़ी को बनाया स्टार प्रचारक। भारतीय जनता पार्टी ने साधा निशाना, कहा माफिया अतीक अहमद इनका गुरु रहा है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का आरोपित लवलेश के 3 दोस्तों को बांदा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने लिया हिरासत में। बीते 24 घंटे में कोविड के 12,591 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या 65,286। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए देशहित न्यूज़। धन्यवाद।